जो हमारा मल्ला है उसका ये एक ही पार्क है, यहाँ पे हमारे पास कोई और ग्राउंड नहीं है। बच्चे जिस टाइम आएंगे उन्होंने ज़ाहिर है अगर क्रिकेट खेलते हैं फुटबॉल खेलते हैं तो उन्होंने इधर ही पार्क में खेलना है, तो नाले की सेफ्टी न होने की वजह से जिस टाइम वो क्रिकेट खेल रहे हैं उसका बाल भी इधर जाएगा, फुटबॉल भी इधर जाएगा। जब बच्चे जाते हैं नाले में तो वो गंदे पानी में हाथ लगता है तो फिर बच्चा आपको पता है अपनी जो हिफाजत है सही तरह नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो आए रोज़ बीमार होते हैं। ये आपके सामने बिल्कुल ये कोई नाला नहीं है, ये पूरे मोहल्ले की गटर लाइन जा रही है, इसकी इन्होंने कोई सेफ्टी नहीं रखी हुई, जिसकी वजह से आए रोज़ बच्चे बीमार होते हैं। झूले वगैरह सब लोग उतार के ले गए हुए हैं, यहाँ पर ना कोई चौकीदार है। जो पार्क है इसकी कंडीशन बहुत बुरी है, सैर व तफरीह के लिए लोग आते हैं, इंजॉय करने के लिए आते हैं, और इस पार्क में जो लोग आएंगे ज़ाहिर है वो सेहत तो नहीं लेके जाएंगे क्योंकि बीमारी लेके जाएंगे। साथ आप देख रहे हैं ये जो नाला है इसका भी कुछ सही इंतज़ाम नहीं किया गया, जो कि पार्क के अंदर से ही जा रहा है, इससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ लगती हैं। फ्रंट वाल गिरी हुई है इस बारिशों से, उसका भी कुछ अभी तक काम नहीं हुआ, और इस पार्क में कोई झूले नहीं हैं और कुछ ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे बंदा बैठ के कोई स्टडी कर सके या बच्चे एंजॉय कर सकें। यहाँ पे 7 डिग्री कॉलेज भी है, दिन को तो बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे इस पार्क में, ना कोई चौकीदार है और माली भी नहीं है यहाँ पे, और ये जो इसमें से गंदा नाला गुजरता है ये सबसे बड़ा मसला है। इसके ऊपर पहले जाले वगैरह लगे हुए थे लेकिन उसके बाद वो भी कुछ अर्सा पहले वो भी हटा दिए गए, जिसकी वजह से पार्क का माहौल बहुत ख़राब हो रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ खास इस पर एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से आए रोज़ जो है यहाँ पे नए नए मिसाइल जन्म लेते हैं। इतनी गंदगी स्मेल है यहाँ पे, कोई खेलने के लिए आता नहीं है। ये देखें यहाँ पे लोग यहाँ पे सिगरेट पीते हैं, सरेआम फेंक देते हैं गंद यहाँ पे। ये कोई जो खेलने की जगह है, लोगों को क्या है वो गंदगी इस तरह फेंक देते हैं यहाँ पर, तब यहाँ पे बहुत बीमारी फैली, बच्चे बीमार होते हैं। इतने मिसाइल हैं कि बंदा परेशान ही है। दरवाजे के आप हाल देखें तो कचरा देखें, बल्दिया महकमा डिप्लोमेट अथॉरिटी जनाब MDA महकमा कुछ भी नहीं कर रहा है, यानी कि खस्ता हाली का शिकार है। नाला देखें इधर जाले लगे हुए थे, लोग ले गए, चोर ले गए, ग्रिलें लगी हुई थी वो वहाँ मार ये ले के जा रही है, लाइटें यही नहीं है इधर। जो पार्क के जो जनाब हैं मुतलका वहाँ में वो सोई हुई है। बजट है इनके पास मुलाजम है लेकिन नहीं, कोई चौकीदार नहीं है, कोई जनाब मान कोई माली नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई आ नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है। इधर ना झूले हैं ना कुछ है ना कहाँ है, बस जो चीज़ गिर रही है लोग ले के जा रहे हैं, लो है तो लोग ले के जा रहे हैं, मजाक बनाए हुए, कोई पूछ ही नहीं रहा है। मुलाजमीन सोए हुए हैं, वो तनख्वाह ले रहे हैं, अपने घर बैठे हुए हैं, फर्स्ट क्लास तनख्वाह ले रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है। जो चौकीदार है उसको तनख्वाह मिल रही है लेकिन पार्क में गंद पड़ा हुआ है, जो माली है उसको तनख्वाह मिल रही है लेकिन पार्क में गंद पड़ा हुआ है, जो हैं वो किधर हैं?